जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे मिजाज हैं आपके? बाकी रजा भाई, तबीयत से अच्छी है? जी, अल्लाह का शुक्र सब ठीक था। अच्छा, आप लोगों को आज थोड़ा अर्ली बुलाने का एक पर्पस था। बेसिकली मैं मैनेजमेंट से हूँ, ठीक है सर। थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे, मुझे आप लोगों की कुछ राय दरकार थी, कुछ फीडबैक दरकार था, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपके क्लास का टाइम ना डिस्टर्ब हो, तब तक इंशाल्लाह हम चंद बातें डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है सर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी हमारी एक जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि ट्रेनर जो होता है वो आपका फीडबैक में मौजूद नहीं होता, तो हम मैं बेसिकली आज आप लोगों का फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, और लेकिन उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी 2-1 मिनट हम और वेट कर लें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। फर्दर ये है के रिएक्शन, एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, रेज हैंड का ऑप्शन, ठीक है आप रेज हैंड कर लीजिएगा, मैं फर्दन फर्दन जो है वो आपका नाम कॉल करके आप लोगों से फीडबैक रिकॉर्ड करूंगा। चलिए बाकर भाई, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्वाइन कर लेंगे। तो बाकर भाई मुझे बताइएगा, आप वैसे आपका क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड एमएससी मैथमेटिक्स है और मेरा 24 ईयर एक्सपीरियंस है पब्लिक माशाल्लाह, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के टैक्सेशन का, जिसमें इनकम ओके okay. टैक्स, सेल्स टैक्स, रिफंड केसेस, एफपीआर एसोसिएटेड, मतलब डेली आना जाना ऑफिस में, उनके नोटिस हैंडल करने, रिप्लाई देने, पीज फाइल करनी, एवरीथिंग। ओके माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो बाकिर भाई, आप जबकि इतनी देर से एसोसिएटेड हैं, इस प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर जो है ये पर्टिकुलर कोर्स लेने का क्या पर्पस था आपका? जी, मैं आपको इसमें अपने जो भी पॉइंट्स है वो बताता हूँ। इसकी रीज़न क्या थी? सर इसकी रीज़न मेन ये थी कि हम ज़्यादातर जब इनकम टैक्स की रिटर्न का एनुअल ईयर आता है और हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, जी जी बैलेंस शीट बन जाती है, सब कुछ बन जाती है, तो वो हम ना अपने कंपनी हमें खुद से वो रिटर्न्स को फाइल करने नहीं देती, हमें जाना पड़ता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पे। जैसे जी सही फैसलाबाद जी में मैं रहता हूँ, तो फैसलाबाद में RSM है, एक बड़ी अच्छी नॉमिनेटेड फर्म है, ठीक है, एग्जैक्टली वो हमारे फिर सारे काम जो है ना वो उसकी टैक्स रिटर्न्स और ऑर्डर्स को देखने के बाद वो सारा करती है। अच्छा, मेरी चूंकि इंडिविजुअल और AOP पे तो इतना मसला नहीं था मुझे, लेकिन कंपनीज की इनकम टैक्स की रिटर्न्स में, मतलब कि इसमें दिलचस्पी मेरी 5-6 साल पहले पैदा हुई। सही हो गया सर। अब इसके काफी सारे पॉइंट्स या चीजें तो मैं बड़ी अच्छी समझ गया था। विद होल्डिंग मैं सारी खुद देखता हूँ, सारे उसके ऑर्डर खुद करवाता हूँ, 165 के जितने भी हैं नोटिस हैं, 161 की जो नोटिस हैं, 44-4 के। लेकिन यस इसमें मैं ये चाह रहा था कि जो मेरी कमियां हैं वो सारी की सारी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं अपनी वो दूर करूं। तो काफी रिसर्च के बाद ना, मैं बड़ी 1 साल से इससे सर्च में था, तो फिर मेरी ICT पे जो है ना निगाह पड़ी, तो मैंने फिर सर इनको जो है ना कुछ बेहतर समझा कि यार मैं इनको, पहले अब तो बहुत बेहतर समझ रहा हूँ ना, तो मैंने कहा मैं इनको ज्वाइन करके देखता हूँ। सर अल्लाह का शुक्र है, एक मुनासिब फीस में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला, और राय साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत ही शानदार ट्यूटर हैं, उन्होंने अभी तक जो भी पढ़ाया है ऑलमोस्ट वो सारी चीजें ही क्लियर है हमें वन बाय वन। अब माशाल्लाह हम मतलब माशाल्लाह, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ गए हैं, तो ये जो कंपनी की रिटर्न्स के इशू थे, टेक्निकल चीजें थी, जैसे डिप्रेसिएशन है, जी जैसे जी जी कैपिटल गेन के टैक्स थे, जैसे कुछ एग्जैक्टली और चीजें अभी आनी है, मतलब फर्दर पढ़ानी है उन्होंने अभी, जी एग्जैक्टली तो वो चीजें क्लियर नहीं थी, वो अब क्लियर हो रही है। चले जैसे माशाल्लाह डेप्रिसिएशन का सारा टॉपिक पढ़ा, उसके फिर सबसे बड़ा कमाल किया कि आपने हमें वो एक बुक जो है ना अपनी की बनाई हुई है जी अपनी, जी आपने वो तो उस बुक को भी उन्होंने हमें शेयर कर दिया, मैंने उसके प्रिंट ले लिए अपनी गूगल को करके अपने उस पे। तो मैं बैठता हूँ ऑफिस में, तो ऑफिस में मुझे ये फायदा होता है कि जब भी कोई मसला होता है वो बुक मेरे सामने होती है, तो वो आर्गूमेंट में, बहस में वो हमारे बहुत मेरे काम आती है। उसके अलावा एक्स भी बिल्कुल मेरे सामने पड़े होते हैं अपडेटेड ऐसे सलाम के, ठीक है। सेल्स टैक्स का तो अल्लाह का शुक्र है इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी जहां भी ये अब शुरू करेंगे इसके बाद जब इनकम टैक्स खत्म होगा, तो फिर वहां बिल्कुल पे भी कोई नई चीज अगर आएगी तो मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा, हाँ सर ये चीज आपने नहीं बताई जो मेरे पहले इलम में नहीं थी। अच्छा तो बाकर भाई, आप दैट्स अ सर ग्रेट सर एक्सपीरियंस फॉर मी, और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन का ना एक स्टूडेंट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सर सर थैंक यू सो मच। बस मेरा अगला क्वेश्चन बेसिकली वो था जिसका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, डेफिनेटली आप तो आपने बताया जैसे कि आप पहले से प्रैक्टिस में हैं,
ठीक है, जी तो डेफिनेटली बंदा आता है कि अपनी लर्निंग कर्व को इम्प्रूव करने के लिए ना, तो मैं इसी सिलसिले में अच्छा, आप जानना इसमें चाह एक रहा चीज था। और भी मैं थोड़ा सा इजाफा सर करूंगा। कल सर सुबह हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, अर्ली इन दी मॉर्निंग जाना है हमारा। आपको सर पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी 4C के अगेंस्ट अपील है जी उसकी जी कल जी हियरिंग है, इंट्रा सर कोर्ट अपील की हियरिंग है, वो अटेंड करनी है, वकीलों के साथ बैठना है, उसका नॉलेज लेना है बैठ के वो क्या कहते हैं, मकालमे क्या होते हैं। देन सही आफ्टर है फिर हमने FBR हाउस, हमारे एक आपको इशू का पता होगा, जब फास्टर सिस्टम सेल टैक्स में आया तो बहुत से मिसिंग क्लेम लोगों के हुए, ऐसे क्लेम ही है बीच में उसमें डाल दिए गए, मतलब उसमें अभी ग्रिप नहीं हुई थी प्राल की, तो प्राल की वो कमियां बेचे थी। अब वो हमने 2,87,00,000 के मेरे मिसिंग क्लेम्स हैं जो मैंने FBR अपने लोकल RTO से वहां पे भिजवाए। अब हमने वो सही है मिलके उनसे बात करके सेक्रेटरी साहब से आगे जो है ना वो लेटर भिजवाना है प्राल को तैयार करवा के, कि वो भी अपना डाटा ठीक कर दें हमारा। तो सही इस हो गया सिलसिले में कल मैं, मेरी बल्कि इनसे भी बात हुई थी राय साहब से, तो शायद आपके ब्लू एरिया में ऑफिस है जहां भी है वो, कल को फिर मैं, नंबर है मेरे पास, मैं कॉल कर लूंगा। सर, मोस्ट अगर वेलकम, टाइम मोस्ट मिला तो वेलकम टाइम सर, सर के लिए जरूर चक्कर लगेगा इंशाल्लाह ताला। मोस्ट वेलकम, चाहे हमारी तरफ से। थैंक थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू रजा भाई, थैंक यू सो मच। अभी जो है मैं बात करूंगा फारूक आजम साहब से। फारूक आजम साहब, आपको आवाज आ रही है? फारूक जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। अस्सलाम भाई, वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। फारूक भाई, मुझे बताइएगा आपका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक आप इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं फिलहाल अभी भी मेरी जॉब है एबटाबाद में, मैं एज एन असिस्टेंट एडवाइजर काम करता हूँ FTO में, सर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में। जी, अच्छा आप भी टैक्स डिपार्टमेंट से ही हैं एक तरह से। जी, जी लेकिन सही असल में मैं इससे पहले चूंकि वकालत ही कर रहा था, हो गया। कुछ चीजें इस तरह थी कि वो अभी हमें यहाँ पर इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में ज्यादातर वो चीजें आ रही है जो हम नहीं समझते, जो बहुत इन डेप्थ है। उसको समझने के लिए मैंने मतलब सर्च किया, तो फिर एक दोस्त ने, एहसन नाम था, वो भी डबल ए पेपर में होता है पूरे पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल से रीजनल कुछ हैं, तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया, मतलब इसी का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन। सर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसी के मुताबिक, बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो सर हमें बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ दिनों में नहीं था, मतलब कुछ क्लासेस मैंने मिस की हैं क्योंकि मेरे सिस्टर की शादी थी, तो सर अल्लाह पाक नसीबत। बाकी मैं मतलब ये मंडे से मैंने कंटिन्यू की है, तो इंशाल्लाह आइंदा कभी भी इस तरह से ना छुट्टियां होंगी और ना मेरी मतलब एब्सेंस होगी। बाकी आपका जर्नी कैसा जा रहा है राय साहब के साथ, जो आप कुछ चीजें प्रैक्टिकली सीखने के हवाले से माइंड में लेके आए थे, आज जो आपने एक मैप बनाया हुआ था कि मुझे ये चीजें इस तरह से सीखनी है, आया वो आप गेन कर रहे हैं उसी लिहाज से? माशाल्लाह बेहतरीन, क्योंकि हमारा तो ज्यादातर इशू असल में यहाँ पर लास्ट से होता है, सेक्शन से, तो वो सेक्शंस मोस्टली हमें इस तरह था कि हमें मतलब ब्लैंक थे अक्सर, कोई कंप्लेंट आ जाता था, कोई इस तरह की बात हो जाती थी तो हमें समझ नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं। तो राय साहब की बेहतरीन बात ये है कि वो बिल्कुल ला को भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली भी पढ़ाते हैं, तो इस वजह से तो मैं तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ उनसे। सर थैंक यू सो मच फारूक भाई। बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं, अब मैं जाहिर है अगर बोलूंगा तो मैं तो मैनेजमेंट वाली साइड से हूँ, मुझे तो नहीं कहना बनता, लेकिन ये बिल्कुल बात बिल्कुल राय साहब की बहुत अच्छी है कि राय साहब जो है ना आपको बेसिकली लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है और रेलिवेंट सेक्शंस को रूल्स के साथ लिंक किस तरह से करना है किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो उस पर राय साहब काफी फोकस करते हैं। लेकिन शायद बिल्कुल मुझे ये बात अभी नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि मैं तो आप लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ। बाकी जी दूसरी सर, बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा फारूक आजम भाई, पहले बाकिर भाई से मेरी बात हुई, कोई ऐसा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप सजेस्ट कर सकें? देखिए परफेक्शन हर जगह नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबाउट अगर सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर लोकल टैक्सेशन की बात करूं तो हमारे साथ तकरीबन तकरीबन 300 लोग, आप कह लें 300 लोग जो है वो माशाल्लाह हर माशाल्लाह हर हर 40 दिन के बाद जुड़ते हैं हमारे साथ, ठीक है, और उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वकला हजरात की भी होती है जो कॉरपोरेट प्रैक्टिस की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी आते हैं, आपके इंस्पेक्टर्स लेवल के लोग वो भी आते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल लेकिन इवन देन ये हमारा बिलीव है कि परफेक्शन नहीं एग्जिस्ट करती, कहीं पे अगर हम लैग कर रहे हैं वो आप लोगों के वैल्यूएबल फीडबैक से जो है हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट हो आपके जहन में जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, आप मुझे जरूर बताइए।
बिल्कुल सर, मैं लाजमी अगर इस तरह की कोई हुई तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह से राय साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज इतना मतलब इन डेप्थ बताते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन करने की भी अक्सर फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई गेस बाकिर रजा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाकिर भाई, फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी फर्दर इंशाल्लाह ताला यूए की टैक्सेशन और यूके की टैक्सेशन भी लर्निंग करनी है, क्योंकि मैं अपना इंडिपेंडेंट जो है ना अब टैक्स कंसल्टेंट के में भी फील्ड में भी आने लगा हूँ। मैं अभी तक माशाल्लाह, अपने आप को ना बस समझ ले डरता ही रहा, लेकिन राय साहब ने डर उतार दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब हम जैसे बैठे हुए हैं तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई एक आधा पॉइंट अगर ऐसा फंसता भी है आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू कैन कंसल्ट अस, तो हम आपको बिल्कुल फिर भी मदद करेंगे, बताएंगे कि कोई मसला नहीं। सर, तो ये इंशाल्लाह हमारी ताला कमिटमेंट है। आपसे हमारा आप जो है ना रिश्ता बहुत देर तक रहेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जिंदगी इंशाल्लाह बाकिर निकल। भाई, जिस तरह आप राय साहब से इंशाल्लाह मुत्तफिक हैं, सेटिस्फाइड हैं, इंशाल्लाह आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इससे भी अच्छा होगा। लाइक मैं अगर यूएई के ट्रेनर की बात करूं, मुझे पहले बात नहीं करनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन फैजान साहब का फीडबैक हमारे मेरे पास बहुत अच्छा है, और वो स्पेशली जो एक पॉजिटिव चीज है उसके अंदर वो चीजों का तो नॉलेज बहुत ज्यादा रखते ही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, हम एक यूएई जो है वो इजी टू एक्सेस मार्केट है, तो उसमें जो लोग जाना चाह रहे होते हैं यूएई जॉब के हवाले से, ठीक है, वो उसमें भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जी, मैं सिर्फ ये मेरी थी ख्वाहिश कि मैं एकदम सारे कोर्स शुरू ना करूं, मैं वन बाय वन करूंगा। फाइनेंस का या आपकी फीसिस का मसला नहीं, बड़ी मुनासिब है, वो बंदा अरेंज कर लेता है, अपनी सैलरी में से निकाल लेता है, दो इंस्टॉलमेंट में पे कर लेता है, हमें वो ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जी जी इंशाल्लाह जी ताला जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा अगला बैच यूएई का या यूके का ज्वाइन करूंगा, वो कंप्लीट होगा पर तीसरा बैच ज्वाइन करूंगा, और इंशाल्लाह इन द सर, एंड फिर मैंने लिटिगेशन जो है ना ज्वाइन कर लिया आखिर। सही हो गया, तो सही हो मेरे गया अभी तीन इंशाल्लाह कोर्सेज आपकी तरफ पेंडिंग है जो मैंने करने हैं वन बाई वन सर, मोस्ट इंशाल्लाह। वेलकम सर, जी सर थैंक थैंक यू यू। सो मच। जी अली भाई, आपको आवाज आ रही है? अली साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई गेस अली साहब का ध्यान नहीं है क्लास की तरफ। मोहम्मद अदरीस साहब, इदरीस भाई, आप क्लासरूम में हैं? जी वालेकुम अस्सलाम अदरीस भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। मुझे जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप थोड़ा सा या तो माइक को क्रीप कर। जी जी अब आ रही जी जी अभी बेहतर आ रही है। जी अदरीस भाई, आपका जर्नी कैसा जा रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स सर, के हवाले क्लास से के मैं बात हवाले से करूं? तो बहुत अच्छा जा रहा है और राय साहब बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन एक दो चीजें हैं। मोस्ट वेलकम सर। वो एक तो जो आपकी पोर्टल है वो अक्सर जो है ना उसमें एक्सेस नहीं होता, मैं अच्छा, जब भी एक्सेस नहीं उसको होता। ओपन करता हूँ तो वो एक्सेस नहीं होता, मैंने कई दफ़ा जो मैसेज भी किया है। दूसरा जो आपने रेप्लिका आईएसआर का कहा था एरिस का, वो जी जी तो किसी एक दिन भी नहीं ओपन हुई, मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई है लेकिन ओपन कभी नहीं हुई वो। नहीं, ऐसा मैं समझ गया। अब आपके पॉइंट्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर बिल्कुल कंसीडर करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको अभी अपना नंबर जो है यहीं पे लाइव मीटिंग में बता रहा हूँ, आप आफ्टर क्लास मुझे अप्रोच कीजिएगा। और ये सिर्फ मैं अभी के लिए नहीं कह रहा कि आप आज की क्लास के बाद मुझे अप्रोच कर सकते हैं, थ्रू आउट आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद भी आपको कभी भी किसी चीज की कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से कोई डिस्कशन करनी हो, ठीक है, आप मुझे अप्रोच कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको अकोमोडेट करूंगा, ठीक है। बाकी बाकी सारे लोग भी आपके साथ इसी क्लास में मौजूद हैं आई गेस, ठीक है। तो देर इज पॉसिबिलिटी समटाइम जो है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो है या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा होता है, या उसकी डिवाइस के अंदर जो है डेवलपर मोड का एक ऑप्शन होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप मेरे से रابطہ कीजिएगा, मैं आप लोगों से अक्सर मुखातब भी होता हूँ ग्रुप के अंदर, 211 मेरे नंबर के आप लास्ट पे आता है, ठीक है। तो मैं उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करूंगा कि आपके डिवाइस के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको जो है इंशाल्लाह रिजॉल्व कराऊंगा टाइमली। दूसरा सर एक सजेशन है, वो सर प्लीज, ये है कि ये आप जो पोर्टल पे हमारे डेली के लेसन आप अपलोड करते हैं, जी अगर ये आप हमें वैसे हमारे ये जो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम अपने पास सेव कर ले, जब मर्जी उसको देख ले, ठीक है ना, उससे हमें ज़्यादा लर्निंग मिल सकती है। जी जी अच्छा अदरीश भाई, इस पे मैं बिल्कुल या फिर कोई आपका यूट्यूब चैनल बना ले उस पर अपलोड कर दें,
सर वहां से यूट्यूब कुछ भी चैनल डाउनलोड किया जा सकता है। यूट्यूब चैनल तो बिल्कुल हमारा है, ठीक है, और वहां पे हमारे ओपनिंग दो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं। बात दरअसल जी ये है कि देखें, ये अब कंटेंट जो है ना, मैं आपकी इंटेग्रिटी पे शक नहीं करूंगा, ठीक है, जी लेकिन जो चीज, एक तो ये है कि जो चीज आपको मुफ्त मिल रही होती है उसकी कदर नहीं होती, ये भी बैड फैक्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये भी है कि ये हमारे, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक जो है वो सीए वाली फ्रेटर्निटी से है, तो हमारे अक्सर जो लोग हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो सीए के फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पूरे पूरे लेक्चर्स जो हैं वो उठा के तो यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं, जो कि हक तल्फी होती है बेसिकली, ठीक है। इसलिए ये इनक्रिप्टेड पोर्टल है, हमें इसकी बल्कि एक अच्छी खासी मंथली कॉस्ट आती है। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारे पास इस टाइम तकरीबन जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं ना वो 13 कोर्सेज हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हर घंटे, हर दिन तकरीबन जो है वो आप कह लें 5-7 घंटे की क्लासेस, और नॉर्मली जो सैटरडे संडे होते हैं उस पे हमारी 20 से 22 घंटे की क्लासेस अपलोड होती हैं, क्योंकि हमारी 8 Zoom IDs हैं जिनके ऊपर डिफरेंट टाइम के क्लासेस हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करने का पर्पज यही है कि ये कॉन्टेंट जो है वो अगर यूट्यूब की नजर हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसकी वो वर्थ नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों के साथ हमारी सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह रहेगी, वो सिर्फ कोर्स के हद तक नहीं है कि आपके 4 महीने के आपके साथ हमारी कमिटमेंट है, या हम नहीं आपसे, नहीं वो आपकी जारी रहेगी तो हमारी भी इंशाल्लाह जारी रहेगी, यहीं पे नहीं रोक देंगे हमें, ये एक चीज है, आगे सर भी चलेगा इंशाल्लाह, ठीक सर 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 है। थैंक यू सो मच अद्रीस भाई। बाकी आप अपने जी प्रॉब्लम के हवाले से जो है ना मुझे जी आफ्टर क्लास अप्रोच कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जी आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूंगा एज सून। जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू, थैंक यू अद्रीस भाई। सर, हेलो मोहम्मद एहसान साहब, एहसान भाई आप हैं क्लास में? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। एहसान भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप बताना चाहेंगे इससे पहले, मतलब आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है या किस तरह से आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ। अकाउंट्स से रिलेटेड मेरी जॉब है, और ओके ये कोर्स अटेंड करने का मकसद ये था कि टैक्सेस वगैरह के जो ना क्लेम्स वगैरह आते रहते हैं, टैक्स हम डिडक्ट करते हैं, और ये कैसे काफ़ी जो है ना हेल्प मिली है। और ज़्यादातर मेरा कंसर्न था एक्चुअली GST के ऊपर ना, तो सही नेक्स्ट हो आप गया जब स्टार्ट करेंगे तो वो फिर मैं इंशाल्लाह जो उसमें इंशाल्लाह। इंक्लूड जीएसटी वाला भी एरिया बिल्कुल आपका करूँगा। रहता है, अभी तो जी हम सही, इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो एहसान भाई, जितना चले हमने कवर कर लिया, उस हवाले से आपको, टीचर के हवाले से आपका क्या फीडबैक है? आपको बशारत साहब किस तरह का पढ़ा रहे हैं, या नहीं नहीं फिर माशाल्लाह उसके अंदर? पढ़ाने का तरीका भी बेहतर है, और काफ़ी चीज़ें जो ना, जैसे आप वो सैलरीड पर्सन के हवाले से जो टैक्स करे की कुछ प्रॉब्लम्स थी, या हम अपनी जो ना टैक्स रिटर्न्स को देखते थे कि कहीं पे प्रॉब्लम्स आती थी, हम समझते थे कि टैक्स कहीं पे जो ना कोई कैलकुलेशन गलत हो रही है या डिडक्शन कहीं सही नहीं हो रही है, तो काफ़ी उससे जो ना हेल्प मिली है। सही हो गया, तो मतलब आपका बिलीव है कि आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, जी ऊपर जी जा रहा है, बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल, डेफिनेट डेफिनेट। चले, थैंक यू सो मच एहसान भाई, अगर कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, मोस्ट वेलकम राइट, ठीक, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक, सर। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मोहसिन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मोहसिन आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोहसिन भाई, आपका सफर कैसा जा रहा है आईसीटी के साथ, और स्पेशली जो आपके ट्रेनर हैं बशारत साहब, क्योंकि अभी आपके साथ तो वही सर इंटरेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा जा रहा है सर इनके साथ। मैं खुद एक सीए, मतलब फाइनलिस्ट हूँ मैं खुद भी, माशाल्लाह, और तो करंटली आर्टिकल्स मैं कर लिए जॉब हैं कर रहा मोहसिन हूँ भाई? जी। आर्टिकल्स कंप्लीट है मेरे, 1 साल पहले आर्टिकल कंप्लीट हुए मेरे। अच्छा, माशाल्लाह, कहाँ से किए हैं? मेरे आर्टिकल्स से सर पीकेएफ फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाहौर से सर। ओके ओके, गॉट इट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा, आर्टिकल्स आपने फिर अश्योरेंस में किए हैं, लाइक टैक्स में ही? हेलो मोहसिन भाई, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक मोहसिन भाई की तरफ जो है वो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। मोहसिन भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए तब तक हम जो है साकिब मलिक साहब से बात करते हैं। साकिब भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र सर, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा साकिब भाई, आप बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आईसीटी के साथ, और स्पेशली जो आपके ट्रेनर हैं बशारत साहब, उनके साथ इंटरेक्शन कैसी है, पढ़ाने का उनका अंदाज कैसा है? ये आपने मुझे जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है वो आपने अपना फीडबैक देना है। चीजें ये है, दरअसल हमारी कोशिश है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहां पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोग अपना जो है ट्रू एंड फेयर जो है वो अपना फीडबैक दें। नेट जो ना इंटरप्ट कर रहा है ना, वो लोग आज के सेशन का भी पूछा जा रहा है ये। सर वो नहीं नहीं नेट चला गया मैं था अब सर। जब जो जितना आपका अब तक कोर्स हो चुका है, हेलो जी जी साकिब भाई, सर, वो साकिब मैं भाई मोबाइल अब पे मैंने लॉगिन किया ना वो। साकिब भाई हेलो, अब आवाज जी, ये आवाज कट आ रही रही है है मुझे? जी आपकी? अभी आ रही है सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज क्या इंट्रोडक्शन सेशन है या क्या? मैं अभी नहीं, ज्वाइन हुआ मैं। इंट्रोडक्शन सेशन नहीं, बेसिकली शायद आपने लेट ज्वाइन किया। आज मैं बेसिकली आप लोगों का फीडबैक ले रहा था, जो जितना अब तक हमने पढ़ लिया उस हवाले से कि आया कि जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे इस कोर्स के हवाले से वो मीट हो रही हैं, आपके ट्रेनर आपको जो है वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं आया वो उसी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। नहीं सर बिल्कुल, बहुत नो डाउट। आप शुरू से डे वन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया सर। और एक मजे की बात बताऊं सर, मैं जो मुझे ना, मैं हूँ सेल टैक्स का एक्सपर्ट ना। मैं सेल टैक्स ही अपने रिटर्न जो कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मेरा मेजर एरिया जो है ना सेल टैक्स है ना। इनकम टैक्स मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी। मैं ना मैं इनकम टैक्स सीखने के लिए मैं मतलब वो आया था ना इस कोर्स के लिए। सही हो गया, तो आज सर मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू था, तो मुझे इनकम टैक्स का कुछ भी नहीं आता था। जो यहाँ पे पढ़ा ना सर, तो जो क्वेश्चन मुझे हुए ना, जो आज तक मैंने आपसे पढ़ा इनकम के, और वो रूल 44 के, 177 के, ये जहाँ से जो मैंने पढ़ा है ना, आज वही इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चन है और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू में ना। अरे माशाल्लाह तो माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। मुबारक हो। अभी मतलब अभी सुबह जाऊंगा अपनी ऑफिस में, तो उसमें वो बातचीत करेंगे वो अग्री। मैं एक ये मतलब बताना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था इनकम टैक्स है ना। तो मैं अपने ऑफिस में भी होता था, तो मैं बोलता था सर मुझे इनकम टैक्स सिखाएं, इनकम टैक्स सिखाएं। तो वो होता है ना, ज्यादातर ऑफिस में इतने बिजी होते हैं कि वो एक काम दूसरे को मतलब नहीं सिखाते ना। तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपना काम होता है, यार मैं इसको सिखाऊंगा तो मेरी जॉब का क्या होगा, कुछ ऐसे लोग जी माइंड जी भी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल, ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर है, आप इसको कह लें ठीक है कि हमारे यहाँ वो जो सिखाने वाला कल्चर जो है वो नहीं उस तरह से है, ठीक है। तो वो अगर आप किसी, मैं कहता हूँ आप किसी फार्म को भी ज्वाइन करते हैं या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी भाई आपने सीखना खुद ही है। जी जी बिल्कुल। इवन कि मेरा अपना सेल टेक ना, मुझे जब मैंने वो बोला ना सर मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं इधर उधर ना, मैं मुझे मिली तो मैं जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदा का ना, मुझे बोला यार इसको अपना सेल टेक काम सिखा दो ना। सही हो तो गया, मैंने उसको अपना सारा एनेक्चर जो भी हो, एनेक्चर ए बी सी, जो सेल टेक रिटर्न के जो मेन होते हैं, जो इनपुट आउटपुट कंप्लीट मैंने उनको सिखा दिया। मैंने कहा सर मेरी जो रोज मैं नहीं सिखाऊंगा, तो मुझे इवन कि मैंने उससे और चीज़ें सीखी। उस जो उसको बोलता है वो आगे से मुझे क्वेश्चन करता था ना, तो मुझे और सीखने को मिल रहा था। माशाल्लाह। अब ऐसा है कि साकिब भाई देखे, ये तो माशाल्लाह जिस तरह से किस्मत में फैसले लिखे होते हैं, ठीक है, लोग सबब भी बनते आते हैं आईसीटी, हम लोग भी डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया और हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो पेड होती हैं नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश भी यही है कि हम जो है वो एक्सपर्ट जो हैं और वो लोग जो नॉलेजेबल हों उनको मार्केट में उतारें, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम जिस तरह का रिजिड नेचर का है, ठीक है, हमारे उस हवाले से जो है ना हमारे पास एक्सपर्ट लोग नहीं है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, बाकी सबसे भी मैं जो है इस टाइम दोष गुजारूं कि अभी तो आप देखें इस तरह इस दफा के एटीएल के स्टैट्स आ चुके हैं आई गेस, जो के हैं 27.4 मिलियन, विच इज 27,40,000, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये नंबर डबल हो जाता है ना, ये ट्वाइस चला जाता है, तो यकीन माने हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सरवाइव कर सके, कोलैप्स कर जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर कोर्सेज को लॉन्च करने का पर्पज भी यही है कि अच्छा इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए जो है नॉलेजेबल पर्सन भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी जो है इमरान खल साहब से बात करना चाहूंगा। इमरान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, सॉरी फॉर द लेट, मुझे असल में आइडिया नहीं था, 9 बजे का टाइम था तो मैंने दोबारा शायद चेक नहीं किया शाम बस के वो बाद में। मैंने आज थोड़ा सरली इसलिए स्टार्ट किया कि मैं सर के आने से पहले जो है, वैसे तो मैं उनको इंटीमेट भी कर चुका हूँ कि आपको जब कहा जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से आप जरूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से फीडबैक जो है वो लेना चाह रहा था, तो अभी मेरा जी जी आपसे भी वही सेम सवाल है। मुझे ये बताइए कि आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे इस कोर्स के हवाले से, आया वो मीट हो रही है? आपको जो प्रैक्टिकल जी एस्पेक्ट्स जो बताए गए थे, आया वो कवर करवा रहे हैं बशारत साहब? जी बिल्कुल, जो करवाए गए थे जो मॉड्यूल्स थे उनमें से काफ़ी हद तक हो चुका है, काफ़ी सारे अभी रहते नहीं हैं, बट जो पढ़ा है वो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि मैं इन प्रैक्टिस में था और जो मेरे सीनियर्स थे मेरे से, बस वो इस तरह ही काम लेते थे कि छोटे ये कर दे वो कर दे, इस तरह ना कुछ चीज़ें उन्होंने जी बताई थी गो थ्रू करने के लिए, बस वो थी, तो बाकी चीज़ें करना तो मैं जानता था। और अभी रिसेंटली बात हुई थी ना तो बिशारा साहब से, उन्होंने कहा था कि अक्सर लोग गोल्ड की वैल्यू जो वो जीरो करते, तो मैंने कहा सर मैं नहीं करता क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे इसकी रीज़न बताई थी, बट वो मुझे हर चीज़ की रीज़न नहीं बताते थे। तो सही इस हो गया। कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मुझे चीज़ें इन हैंड प्रैक्टिस में तो बहुत कुछ आती थी, लेकिन क्यों आती थी, क्यों मैं करता क्यों था, मुझे कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता, इसके बारे में मुझे कोई हाव नाव नहीं थी। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने बहुत कुछ लर्न किया, इवन कि मैंने जो पिछले 2 ढाई साल की प्रैक्टिस की है इन 2 महीनों के अंदर मैंने उससे ज्यादा सीखा है यहाँ पर। सर 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 थैंक यू हाँ सो मच इमरान भाई। बाकी जी कोई आपकी तरफ से कोई अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से मैनेजमेंट के पार्ट पे या ट्यूचर आपके जो ट्रेनर हैं उनके हवाले से। थैंक सर, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, यू बहुत अच्छा थैंक यू पढ़ा रहे सर हैं, क्योंकि मैं थैंक यू सर। इन हैंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैंने इसको बड़ी डीपली वो देखा है, ये बड़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है। बाकी मैनेजमेंट है, जाहिर बात है कि अब टाइम के साथ कुछ अपग्रेडेशन आती रहती है, वो साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है वो इट्स जी ओके। जी 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 थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच। मिस सरूज फातिमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मिस सरूज, जी सर, अस्सलाम क्या? वालेकुम, जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, जी मिस, कैसी हैं आप? तबीयत से अच्छी मैं है ठीक आपकी? हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मुझे आप बताइएगा कि आपका वैसे जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और मोटिव क्या था मैंने आपको इस कोर्स को ज्वाइन जी करने का? मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, That's और great. से मेरा पर्पस ये था कि मैंने जो है बेसिकली अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए मुझे ज़्यादा इशू होता था कि इसकी तरले मिनते करो उसकी तरले मिनते करो, कि जी आप यहाँ से हेल्प आउट कर दीजिए यहाँ से हेल्प आउट कर दीजिए, गो के एक सैलरीड पर्सन की इतनी मुश्किल तो नहीं है रिटर्न फाइल करना, लेकिन गाइडलाइन के बगैर एक आप कह लें जो ले मैन है वो उस चीज़ को नहीं कर सकता, और जी किसी ने मुझे मतलब मेरे एजुकेशन पे ये कहा कि जी आप इतनी एजुकेटेड हैं और आपको फाइल ही नहीं करना आती रिटर्न, ये क्या बात हुई, तो मैंने इस चीज़ को बहुत फील किया और मुझे जो है लगा कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सीखें और आपको ना आए, ऐसे इसके लिए तो कोई लिमिटेशन इस नहीं है। मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी मुझे फील हो रही है क्योंकि ना तो मेरा कोई मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड है जी 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 और जो मतलब जॉब में भी मेरा सिनेरियो है वो ज्यादा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड सिनेरियो है, मतलब पेपरा रूल्स और ये वो इन चीजों को मैंने देखना होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, सही हो गया। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन सर का वे ऑफ टीचिंग इस कदर अच्छा है कि मतलब एक मैं कहती हूँ मतलब मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं है तो मुझे भी उनके पढ़ाने से समझ आ जाती है, मतलब लेक्चर भी मैं उनका बाकायदगी से लेती हूँ, कभी होता है कि बच्चों की रूटीन के साथ थोड़ा सा मिस हो जाए, सही हो और गया। जो मिस होता है वो मैं उसको जो है मतलब क्लास नेक्स्ट डे जो अपलोड होता है लेक्चर उसमें मैं सुन लेती हूँ और बहुत अच्छे से समझ आती है जो पॉइंट वो समझा रहे होते हैं, लेकिन अभी जैसे एक यहाँ पर जो आप कह लें कुलीग कह लें या स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं उन्होंने बात की कि पोर्टल की एक्सेस हमें ज़्यादा नहीं होगी, तो हम ये मतलब मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो लेक्चर फॉर्म में हो, कि जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं बाद में भी हमारी हेल्प के लिए वो मौजूद हों। जी मैं पॉइंट आपका मैंने नोट कर लिया है मिस सरूज। मैं इस पे रिस्पॉन्ड आपको अभी भी कर देता हूँ। एक तो ये है कि 6 मंथ्स तक तो आपके पास ये इन टोटल जो है वो 6 महीने के लिए आपके पास सक्सेस है। फर्दर जो जी है वो इसको आप एक्सटेंड करवा सकती हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 6 महीने के बाद फौरन ही आपको वो है, आपकी जरूरत पे जब आपको जी लगे कि प्रैक्टिकली चीजें आपको कोई पॉइंट सीखना है या आपके डे टू डे जॉब के अंदर जो है वो काम ऐसे मसाइल आ रहे हैं, ठीक है,
जिनसे आप जो जी है बाखबर नहीं है, तो आप पोर्टल अपना एक्सटेंड करवा लें, वो आप एक मंथ के लिए एक्सटेंड करवाएंगी, आपको जस्ट 1000 पे करना है, ठीक है, और ठीक हो आपके गया। पास वो एक महीने के लिए पूरे लेक्चर्स की एक्सेस होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स मटेरियल या ये सारी चीजें जो है रिमूव हो जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी कहूंगा कि जहां तक रिटन मटेरियल की बात है, हमारी कुछ पढ़ाने की स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि हम बेसिकली जो है ना फोकस होता है हमारा नेविगेशन पे। आप लोगों को बता दिया जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। जी जैसे कि आयरस का, आयरस की जब नेविगेशन करवाते हैं तो उसमें भी हम कोशिश होती है कि ईच एंड एवरी टैब के हवाले से जो है वो आपको बताया जाए, ठीक है। दूसरा यह है जी कि ठीक स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर होती हैं, और तीसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा 4 या 6 महीने का साथ है, ठीक है। आपको बाद में भी प्रैक्टिकली काम करते हुए किसी भी एरिया के अंदर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमें अप्रोच कर सकती हैं। ये आपका जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, ये हमारे एज इट इज जो हमने बैच 1 स्टार्ट किया था वो भी ग्रुप अभी तक ही, जो लोग विलिंगली छोड़ के चले गए वो उनकी मर्जी है, ठीक है। हमने ग्रुप जी को क्लोज नहीं किया, और हर ग्रुप के अंदर जो रेलिवेंट ट्रेनर है वो मौजूद है। इन केस अगर कोई एक ट्रेनर हमारे साथ अटैच नहीं भी रहा आईसीटी के प्लेटफॉर्म के, ठीक है, तो हम वहां जी पे उस ग्रुप के अंदर, हमें पता होता है कि इस ग्रुप का या इस क्लास का इस बैच का ट्रेनर उस ग्रुप में नहीं है, तो हम वहां पे नए ट्रेनर को ऐड कर देते हैं, सो दैट कि अगर कभी भी आपको आपकी कोई क्यूरी हो तो उसको हम रिस्पॉन्ड कर सके। तो इंशाल्लाह आपको बाद में भी अगर कभी किसी एरिया में प्रॉब्लम आती है आप हमें अप्रोच करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, थैंक थैंक यू सो मच मिस्टर रुई, थैंक यू। यू। जी साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साजिद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, क्या है एजुकेशनल बैकग्राउंड और पर्पस क्या था आपका सीटीए के दौरान? एमबीए फाइनेंस में माशाल्लाह, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहा हूँ। सर टैक्सेशन के हवाले से बड़ा ना एक हाइप क्रिएट रहती थी, तो पूछने पे आंसर मिलता था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो जी, मैं समझ वो गया। कॉन्फिडेंशियल समझने के लिए फेसबुक से मैंने आपकी ऐड देखी और अप्रोच किया। तो सही पहले हो तो गया थोड़ा सर। सा डर था कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, कैसा इंस्टीट्यूट होगा, वेस्ट जाएंगे पैसे, लेकिन अल्लाह ताला पर बिलीव किया और ज्वाइन किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो डिस्कशन में आती हैं, तो जो मैनेजमेंट है उनके साथ बहस करने में भी ज़रा आसानी हो रही है, उनको समझाने में, क्योंकि मेरा गुड ऑपरेशन से रेलिवेंट काम था, तो सर, उसकी जो टैक्स इनवाइसेस वगैरह रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मेरे सामने से होके गुजरते थे, तो अच्छा ऐसा पेमेंट्स। ऐसा है साजिद भाई, साजिद भाई ऐसा है, दरअसल वो जो आइंस्टाइन साहब कह गए थे ना, द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज इनकम टैक्स, ठीक है। वो मुझे जहां तक लगता है, मैंने क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से जो है ना हम इंटरनेशनल टैक्सेशन भी ऑफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जस्ट पाकिस्तान के टैक्स के बारे में कह गए थे, टू बी ऑनेस्टली। जितना हमारा रिजिड सिस्टम है, जितनी इसके अंदर जो है चेंजेस आती हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं। आपको पता है फाइनेंस बजट आपका एक्ट आता है, उसके बाद कोई 2-4 मिनी बजट तो कंपलसरी है, आने ही आने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता है एफबीआर के पास डेलीगेटेड पावर्स हैं, ठीक है, चीजों को जो है कुछ लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए या टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, तो वो भी टाइम टू टाइम डिफरेंट एसआरओस के जरिए जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स पे टैक्स लगाते रहती हैं, चेंजेस करते रहती हैं, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम हमारा। सर इससे पहले मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की हैं एफपीआर से रेलिवेंट, के उनके पास इंफॉर्मेशन वो कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ समझाने में बड़ी मुश्किल आ रही थी अपनी मैनेजमेंट को कि आप जो चीज़ कर रहे हैं ना तो ये रजिस्टर्ड वे में कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप प्रॉब्लम्स में आएंगे, तो प्रॉपर वे नहीं था मेरे पास समझाने के लिए उनको कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मॉनिटर हो रही है, आपकी जो परचेज है इम्पोर्ट है वो लोकेट हो रही है, इनफैक्ट सही हो गया, आपने ईआरपी को एसोसिएट किया हुआ है उनके साथ तो वो लोकेट हो रही है, तो आप एग्जैक्टली कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। आ सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉब्लम्स जो थी ना उसको समझने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस चीज़ को समझूँ, और बड़ी अच्छी एक ट्रेनिंग चल रही है, मैं ज़्यादा लिसनर ही हूँ, सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छा गाइड करते हैं सर। इनफैक्ट क्वेश्चन की जगह रहती नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, वो क्लियर हो जाती है उसी में।
चले तो जो अच्छा लगा। माशाल्लाह से जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो टू सम एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहता कि भाई हम 100% मीट कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि टू सम एक्सटेंट वो एक्सपेक्टेशंस हम मीट करने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, आप इमेजिन करें कि मैं अगर नई एक चीज के बारे में जानता और मेरे पास एक बेस्ट नॉलेज आता है तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। अब उसके आगे भी कुछ चीजें होंगी तो वो एक्सप्लोयर ऐसे ही आता है। मतलब अब भाई यहाँ पे काफी अच्छी डिस्कशन करते हैं तो उनकी बातें सुन के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो वो डिस्कशन मेन लर्निंग पॉइंट है इस ग्रुप में। सर ये बिल्कुल, ये तो आपकी वैसे भी मैं आपको बताऊं ये एक नेटवर्किंग है, मतलब मैं प्रीवियस बैचेस को देखूं तो जो लोग एक बैच के अंदर इनरोल होते हैं ठीक है, बाद में जो है उनकी ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है, वो गेट टुगेदर्स भी कर रहे होते हैं वो अपने पुराने उन्हीं ग्रुप्स के अंदर, हालांकि ये वर्चुअल है प्लेटफॉर्म जो है ना, मैं बिल्कुल ऑनलाइन वालों की बिल्कुल बात कर रहा हूँ ठीक है, तो वो उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो है वो अपनी गेट टुगेदर की जो है वो पिक्चर्स भी शेयर कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद दैट डिस्कशंस के बारे में बता रहे होते हैं कि जी आज हमने फलां मुद्दे के ऊपर जो है वो खूब बात की है। थैंक बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे यू साजिद भाई, कोई मैनेजमेंट के पार्ट पे कोई अगर आप चीजें जो है वो सजेस्ट करना चाहें, कोई सजेशन हो आपकी तरफ से जो हमें जिन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो आपकी सजेशंस मोस्ट वेलकम, हमें भी जो है चीजों को इम्प्रूव करने में जो है मौका मिलेगा। सर अभी तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपका प्लेटफॉर्म भी बहुत एक अच्छा लर्निंग पॉइंट है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज जहन में आई एनी टाइम सर, क्रिएटिविटी की विदाउट बिल्कुल एनी हेजिटेशन, थैंक यू सो मच साजिद भाई, एनी एनी टाइम टाइम ठीक है। बाकी जितने भी लोग इस टाइम क्लास में मौजूद हैं, मुझे निकाल के 16 पार्टिसिपेंट्स हैं ठीक है, मैं आप सबसे भी और बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे मैं उन सबसे भी मुखातिब हूँ कि आप लोगों को ड्यूरिंग कोर्स भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन था, मैं आईसीटी से ही बात कर रहा हूँ ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे नंबर के एंड पे 211 आता है ठीक है, मैं आप लोगों से अक्सर मुखातिब होता हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर ठीक है, चीजों को मेरा बेसिकली कुछ ऑपरेशनल लेवल की जो है मुझे जिम्मेदारियां साइन की गई हैं ठीक है, तो जब आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा किन किन एरियाज के ऊपर काम करने के लिए जो है ना अभी हमें एनर्जीज को यूटिलाइज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। एनी हाउ अभी मैं ताहिर सलीम भट्ट साहब से बात करना चाहूंगा, ताहिर भाई आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम असलाम, कैसे हैं जनाब? मुझे सर आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन साजिद साहब ने कर दिए हैं। मेरा भी बेसिकल बैकग्राउंड अकाउंट से ही है, मैं भी सर ही हूँ, और मुझे तो खैर काफी एक्सपीरियंस हो रहा है इससे, काफी चीजें तो मेरे नॉलेज में नहीं थी कि सर जी। तो तो बशारत साहब कैसा पढ़ा रहे हैं आपको? बिशारा साहब का भी वे ऑफ बहुत अच्छा सर। अब एकदम से तो सारी चीजें हम ग्रिप नहीं कर जाएंगे, लेकिन काफी हद तक हम लोग उसको पिक कर चुके हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम ठीक वेरी है सैटिस्फाइड सर। सर, और कोई मैनेजमेंट के पार्ट पे कोई चीज कभी आपने अगर कोई इश्यू फेस हुआ, आपने अप्रोच किया तो मैनेजमेंट ने आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मेरी सिर्फ एक क्यूरी थी सर कि अगर जैसे कल बिशारा साहब ने हमें स्लाइड्स दी हैं, वो अगर जी हमारे साथ शेयर हो जाएं इन इन एडवांस, मतलब कल की कोई स्लाइड्स हैं वो अगर आज हमारे साथ शेयर हो जाएं ग्रुप में, तो उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं तो थोड़ा सा अच्छा, कंफर्टेबल हो। ये बेसिकली जो है ना ताहिर भाई, ये ना एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैं अगर बात करूं इस पर्टिकुलर कोर्स की या सर्टिफिकेशन की, तो इसके लिए तकरीबन तकरीबन जो है ना हमारे पास 8 से 9 लोग हमारे साथ अटैच हैं, ट्रेनर्स जो है ठीक है, इसमें चीफ कमिश्नर लेवल के लोग भी हमारे पास पढ़ा रहे हैं ठीक है, एक जी चीफ सर कमिश्नर साहब जो है वो हमारे कराची में पढ़ाते हैं सर डिपार्टमेंट के FBR के ठीक है। अच्छा सर उसमें यह है कि हर टीचर का एक पढ़ाने का ना अपना अंदाज होता है ठीक है, मैं टीचर के हवाले से भी पर्टिकुलरली मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आया आप जो जिस तरह का उनका पढ़ाने का अंदाज है आप उसको पिक कर पा रहे हैं ठीक है, तो इसमें उनका अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, वो कहते हैं कि जी अगर चीजें आपके साथ अर्ली शेयर कर दी जाएंगी ठीक है तो आप सर लोग फिर किसी और लाइन पे निकल जाएंगे, वो उनका जी मानना है ठीक है। एनी हाउ मैंने ये सजेशन नोट कर ली है, बशारत साहब से मेरी इंटरेक्शन होगी तो मैं जरूर ये पॉइंट रखूंगा कि अगर कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन सकता है, लेकिन ये जस्ट ताहिर सलीम साहब की रिक्वेस्ट पे आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, ये जस्ट एक उनकी रिक्वेस्ट पे नहीं होगा,
अगर बाकी जो सब लोगों का भी यही मानना हुआ कि हमारे साथ कंटेंट जो है वो अर्ली शेयर कर दिया जाए और उस पे आपके ट्रेनर भी विलिंग हुए तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई मसला नहीं। क्योंकि बाकी तो सर उनका वे ऑफ टीचिंग तो बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है और उसे हम लर्न भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो वो एक्सेल पे स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप वो हमें टीच कर रहे हैं वो तो मतलब एक्सीलेंट है और मैं तो कम कम सेटिस्फाइड हूं उनसे। सर 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 बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुहेल अहमद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई थोड़ा सा आपके अपने सिस्टम की आवाज कम कर लीजिएगा, कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले इको बहुत ज्यादा आ रही थी। जी सुहेल भाई कैसे मिजाज हैं, क्या चल रहा है आजकल? सुहेल भाई जी सर, अच्छा आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, शायद अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो मैं आज आपसे इसलिए मुखातिब हूँ, मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि जितना कोर्स हमने कवर कर लिया है, जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था, डेफिनेटली आपने एक पैसे की भी आपकी इन्वेस्टमेंट है और उससे जो ज्यादा कीमती चीज है वो है आपका वक्त। आप जो वक्त दे रहे हैं आया उसी के मुताबिक जो है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गेन कर रहे हैं कुछ चीजें? हाँ सर, ये ऐसा है कि मैंने भी ये MBA किया हुआ है तो मैं ये चाहता था कि ये टैक्स का मैं थोड़ा सा जो है ना नो आउ करूँ ताकि इन फ्यूचर जो है ना टैक्स का काम है कर सकूँ, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। बस ये अपनी थोड़ी सी हमारी ये है कि वो इसको इतना टाइम नहीं दे सकते इतना कि वो सर बशारत जो है ना वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं ना जो भी आपने लेक्चर जो अटेंड कर रहे हैं तो वो आप जो है ना वो फिर रिपीट करें, लेकिन क्योंकि अपनी थोड़ी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं इसकी वजह से रोजाना हम टाइम नहीं दे सकते, लेकिन है कि उनका जो पढ़ाने का जो अंदाज है वो जिस तरह वो पढ़ाने हैं वो बिल्कुल जो है ना वो बेसिक से वो लेके चलते हैं सर। तो उससे तो काफी कुछ जो है ना वो गेन हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। चले माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम सर। नहीं ऐसा तो अभी कोई नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सुहेल भाई बहुत शुक्रिया। उस्मान कयानी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। ओके सर, एक्चुअली मेरा जो है प्रोफेशन वो LLB और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिविल और क्रिमिनल की और साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ सर। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का, एक तो मेरा एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन करने का था, इनकम टैक्स का लॉयर मतलब उसको। मैं समझ गया, आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं? जी जी जी। और कुछ इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है कि एक बिजनेस रिलेटेड मेरा वो ना एक ऑडिट खुल गया था। ओके तो, आपके अपने पर्सनल बिजनेस का? जी जी, मेरे पर्सनल बिजनेस का, और कोई तकरीबन 2-1 करोड़ की अमाउंट जो है ना वो मतलब मेरे पे वो पड़ गई थी प्लंटी टैक्स की ना। ओ, ओ, तो हाँ, एक तो फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस में तब पैदा हुआ, मैं कहा कि एक तो मुझे ये सीखना चाहिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी यही है, ठीक है, और मैं सिविल और क्रिमिनल की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें करके तो फिर मैंने जो है ना एक सर्च किया, एक ऐसा कौन सा फॉर्म हो जो मुझे मतलब कुछ सिखाए ये ना। तो बाकी जिस तरह ये सारे भाई बात कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि कुछ मतलब जिस तरह कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर है उनके पास अगर बैठे हैं एक, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं था और वैसे भी मतलब कुछ सीखने को खास मिलता नहीं है जी, तो इस लिहाज से फिर ये मैंने ज्वाइन किया और माशाल्लाह अब इस स्टेज पे हूँ मैं के मैं रिटर्न को अपनी देख रहा हूँ, ठीक है, और ये सारे मामला जो भी हैं, इवन कि मेरे जो अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ वो भी सारी चीजें, ये मतलब ईच एंड एवरीथिंग अब कुछ समझ आ रही है। जी समझ आ रही है, सही हो गया। तो उस्मान भाई बशारत साहब से कितने मुतफिक हैं उनके पढ़ाने के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं वो इसको पोर्टल को, और उसके बाद बेरेक को साथ लेके चल रहे हैं,
मतलब लॉ का भी साथ साथ वो टच दे रहे हैं और उसके बाद पोर्टल को भी साथ साथ लेके जा रहे हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। बस मेरा यही अगला सवाल मेरा यही था जिसका आपने आपने जो है रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया हुआ है। क्या या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम आप सीखने आए थे वो कवर हो रहे हैं? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, काफी काफी हद तक मतलब समझ भी आ रही है। और सर एक सजेशन है कि अगर हमें कोई बुक रिकमेंड कर दी जाए साथ, मतलब जिस तरह ये बेयर एक्ट है, डेफिनेटली जो तो लॉ नोइंग है उनको तो शायद इस लॉ लैंग्वेज की समझ आती होगी, ठीक है। और जो मतलब जिस तरह काफी यहाँ पे जो है वो रिलेटेड है अकाउंट से, ठीक है, और थोड़ा सा वो लॉ को समझना जो है ना वो डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए अगर कोई सिंपल उसकी जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो वो कोई बुक अगर रिकमेंड कर दी जाए ताकि एक इजी हो जाए और जिसमें थोड़ा सा वो मतलब हमें ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन मिल जाए। वैसे तो इसमें यह है उस्मान भाई के हम बेसिकली हमारा बैकग्राउंड भी जो है वो आपको पता होगा, बशारत साहब भी माशाल्लाह आप तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया सीए, ठीक है। तो हम लोग जो सीए की जो आपके इंटरमीडिएट लेवल की बुक होती है वो सजेस्ट करते हैं, बहुत कम्प्रीहेंसिव लिखी हुई है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट मैं भी ऐड कर देता हूँ, आप पेटी वाला का जो लेटेस्ट वर्जन है ना आप वो ले लें, इजी टू अंडरस्टैंड है, खालिद पेटी वाला का, ठीक है। ठीक है, तो आप वो भी वहां से भी आप ये चीजें कवर कर सकते हैं। बाकी हमारी अप्रोच इसके हवाले से थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि आपने लेट से अगर कोई चीजें आ रही हैं, कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, तो हम आपको बेसिकली जो है ना नेविगेशन इस तरह से सिखाते हैं कि अच्छा आपको अगर कोई एक SRO आया है, कोई नया नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसके हवाले से कोई बुक देखें या किसी जाके और कॉर्पोरेट वाले बंदे से, प्रैक्टिस वाले बंदे से डिस्कस करें। उसके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आपको रेलिवेंट फॉरम का पता हो कि यार ये कहाँ पे पड़ा होगा, मैं मुझे ये कहाँ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जहां तक इंटरप्रिटेशन की बात है उस पर्टिकुलर SRO की या नोटिफिकेशन की, तो इंटरप्रिटेशन अगर आप डेफिनेटली आप ये एक तो इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ वो वैसा नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप अपने ट्रेनर से कभी भी इंटरेक्ट करके उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये पॉइंट चाह रहा था कि जैसे एक सैलरी का सेक्शन है, अब जी जी उसमें मतलब जो लिखा गया है अगर हम बेयर एक्ट पे देखें तो वो मतलब थोड़ा है ना, जी जी इसको वही एक्सप्लेन जहां पे कोई किया हो ऐसी कोई हमें अगर बुक रिकमेंड कर दे ताकि थोड़ा सा समझने में और मतलब वो ज्यादा थोड़ा आसानी पैदा हो जाए। जी जी, पेटी वाला साहब की बुक है, बाकी इस हवाले से जो है बशारत साहब भी जो है इंशाल्लाह क्लास में आएंगे, आप पे कभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर उनसे सजेशन लेना चाहें तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया है, बस मैं आखिरी बंदे से बात करना चाहूंगा, वासिफ असाफ साहब। वासिफ साहब आपको आवाज आ रही है? वासिफ साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, फरूक आजम साहब। आबिद साहब ने अपना माइक खोला है। जी आबिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझा शायद मैंने थोड़ा सा असल में लेट ज्वाइन किया, हो सकता है मैंने कहा मेरा नंबर निकल गया हो। नहीं, नंबर नहीं निकलेगा सर, मैं अभी जाऊंगा ही नहीं, अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं, मोस्ट वेलकम, मैं वो चीजें नोट डाउन कर रहा हूं और उससे हमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो एक स्पेस मिल जाती है। सर सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा सेशन आप कर रहे हैं माशाल्लाह, किसी भी इदारे के लिए ये सेशन इम्प्रूवमेंट भी लाता है और फीडबैक आपको मिल जाता है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे भी रेफर कर रहे होते हैं इदारों को ना, कि भाई यहाँ से। बहुत अच्छा ऐसा है, मैं अगर अपने ओवरऑल एडमिशंस की भी बात करूं तो टू बी ऑनेस्टली मोर देन 25% जो है वो हमारे रेफरल बेस है, मोर देन 25%। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होते सर। और माशाल्लाह ओवरऑल मेरी अपनी एजुकेशन MBA फाइनेंस है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और यहाँ एक प्राइवेट फर्म में एज अ मैनेजर फाइनेंस जॉब कर रहा हूँ मैं सर। तो और साथ में मैंने बीच में CMA भी स्टार्ट किया हुआ था, उसमें मैंने टैक्सेशन भी पढ़ी है, एडवांस अकाउंटिंग हो गया और लॉज वगैरह हो गया, सारी चीज़ें। तो वो पेपर्स वगैरह थोड़े से बीच में रह गए क्योंकि जॉब काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो पेपर को पास आउट करना थोड़ा सा एक चैलेंज बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, CMA भी एक आपको पता है मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ये मैंने यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन किया। ऑनलाइन का ये होता है कि थोड़ा सी डिफिकल्टी इस तरह टीचर को आती है कि एक फीडबैक लेना स्टूडेंट से, उसका फेस एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता, उसके आया अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, प्रिपेयर प्रीवियस क्लास को प्रिपेयर लेक्चर उसने प्रॉपर सुना है, तैयारी मुकम्मल करके बैठा हुआ या नहीं है, तो इस तरह के बहुत चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर हमारे माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हैं और अच्छे तरीके से, और जो क्वेश्चन भी करें उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करते हैं, थ्योरेटिकली भी बता देते हैं, और बहुत सेटिस्फाई हैं हम लोग। और ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस माशाल्लाह, ओवरऑल बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। सही हो गया। तो कोई अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप मैनेजमेंट के पार्ट पे अगर कभी, इन केस मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता लेकिन किसी ना किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है, उस टाइम आप मैनेजमेंट को डेफिनेटली अप्रोच करते हैं क्योंकि ट्रेनर की डोमेन में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? तो आया आप उस हवाले से भी सेटिस्फाइड हैं, आपको मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया टाइमली? नहीं किया तो मैं पहले माजरत करूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और टाइमली रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल किया है, और ये कि ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैनेजमेंट के हवाले से भी और सर के हवाले से भी। हाल बता थोड़ी सी सजेशन, मैं सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देना चाहूँगा, थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा जो नॉर्मली ये है कि एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जिनका एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड है टैक्सेशन का, वो बहुत क्विकली वो पिक कर रहे हैं चीज़ों को ना, और सर अपनी मतलब है कि सर की अपनी पढ़ाने की जगह तो है ही है कि नोट नोट के कोई उसमें कोई शिकायत नहीं है और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन डिफिकल्टी आ रही है जिनका बैकग्राउंड नहीं है नॉर्मली, और हाँ तो वो क्या होता है कि खैर उनके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एक्स्ट्रा उनको चाहिए कि वो रीड करें मुख्तलिफ लेक्चर और कहीं से सुनें रीडिंग करें वो, लेकिन ये होता है कि फिर आपको इस कंडीशन में करना ये पड़ता है कि फोकस करना पड़ता है थ्योरी के ऊपर, रिटर्न टेस्ट वगैरह कोई कंडक्ट किए जाएँ जो दो तीन चार क्लासेस के बाद हों, कोई फीडबैक उनको फोकस किया जाए कि भाई स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनके इशू हैं, जो बैकग्राउंड जिनका नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा यानी कि फोकस करने की ज़रूरत है बस, कि हम जी ठीक है ये आपके ये अच्छा ये हमारी वैसे टाइम टू टाइम कार होता है, आपके ट्रेनर ही आपको कुछ चीज़ें जो है पर्टिकुलर आते हैं कि आपने ये वाला एरिया करना है और इस तरह से करना है। इसके अलावा LMS पोर्टल के ऊपर भी हम जो है वो एक क्वेश्चनर बना के या फिर जो आपका टेस्ट बना के वो अपलोड कर सकते हैं, आप वहां पे अपना जो है सबमिट कर सकते हैं, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी दूसरी प्रेजेंटेशन टाइप की कोई चीज हो कंडक्ट हो जाए कि एक प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कर लेगा अपने आप को कि भाई अब ये मैंने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है बेसिकली, तो एक छोटा सा एरिया है। बाकी ओवरऑल ये इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने कोई गैप रखा है पढ़ाने में, ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा सजेशन मेरी इदारे के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैं आबिद भाई आपके इस बात से इसलिए मुत्तफिक हूँ क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है डिफरेंट आप कह लें कि वॉक ऑफ लाइफ से लोग इंगेज होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उनका कुछ, हमारे पास इस पर्टिकुलर कोर्स में, हालांकि ये एक इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग वाला कोर्स है, हमारा एडवांस कोर्स और है 2 महीने का, ठीक है? हमारे पास इस कोर्स के अंदर भी जो है क्वालिफाइड जो ICAP के मेंबर्स हैं, क्वालिफाइड CS बैठे हुए हैं टू बी ऑनेस्टली, ठीक है? और क्योंकि हर बंदे की एक लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है? बाकी हमारी अप्रोच यही होती है कि हम इसको बेसिक से शुरू करते हैं। अगर ट्रेनर की बात की जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी भी आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि ट्रेनर जो है वो आपके किसी क्वेश्चन से जो है वो उकता रहा है या वजार हो रहा है, ठीक है? आप लोग कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप ट्रेनर से डिस्कस करें। इन केस मैं कहता हूं कि अगर आपको ट्रेनर रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप लोग जो है मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट करें और इसके ऊपर हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। सही सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अच्छा चले, मैं बाकी आप लोगों अभी मेरी जो है ना नाम मैं कॉल नहीं करूंगा, अभी ओपन है, अभी जो भी भाई बात करना चाहता है तब तक जो है मैं आपकी कॉल करता हूं कि वो जो है मीटिंग ज्वाइन कर। कोई भी भाई बात करना चाहता है, अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाना चाहता है, कोई सजेशन है उसके माइंड में, मोस्ट वेलकम। सर मैं कुछ कहूंगा। जी जी जरूर, आप थोड़ा सा अपना जो है ना स्पीकर वो उसकी आवाज कम कर लीजिए, इको बहुत ज्यादा आ रही है।
ये जो अभी वासुफ भाई ने कहा है ना कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करें, बीच में फीडबैक दें, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, तो उसका जो है एक मिनट ना मुझे दीजिएगा, तो एक मिनट। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सर सर मेरी आवाज आ वो रही है? मैंने मैंने जो है चीजें कर ली हैं, तो अभी जो है वो आप मीटिंग काइंडली ज्वाइन कर लें, स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सुहेल भाई प्लीज कंटिन्यू। सर मैं यही कह रहा था कि ये अगर एक सर जो है ना टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस जी टॉपिक के एक दिन बाद 2 दिन बाद कोई डेडलाइन दे दें कि इसमें से जो है ना वो आपका कोई मतलब है कि कोई क्वेश्चनेयर होगा या इसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये पर थोड़ा सा हम मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएं। जी ठीक है, इनशाला इसके ऊपर जो है मैं बशारत साहब जो है उनसे मैं डिस्कस करता हूँ इस पर्टिकुलर बात के ऊपर, ठीक है? तो इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो आप लोगों का फीडबैक है बहुत अच्छा है, ठीक है, और जो आपकी सजेशंस है हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। बाकी इनशाला इसके ऊपर जो है मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू आई जी, बहुत गेस शुक्रिया। सर बशारत जो है वो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले वासिफ साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस सर किया हुआ है। वासिफ मैं साहब भी प्लीज कुछ कहना कंटिन्यू। चाहूंगा। अच्छा जी 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 जरूर। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ओवरऑल मैंने आपको फीडबैक तो दिया कि बिल्कुल ठीक जा रहा है, ओके है, सर लेकिन ये है कि जो ज्वाइनिंग के वक्त मुझे मॉड्यूल दिया गया था ना इस जी कोर्स के हवाले से, जो मॉड्यूल दिया गया था जी कोर्स का, तो उस हवाले से जो है ना ये पूछना था कि ये मॉड्यूल क्या पूरा हो जाएगा इस टाइम, स्पेकुलेटिव टाइम जो है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के अलावा और भी मॉड्यूल था कुछ। अच्छा जी, मैं अच्छा सॉरी, आमिर, मैं पॉइंट आमिर समझ गया हूँ। आमिर 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 मुझे मौका दे, मैं आ तो गया हूँ। सर 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 मजा आ सर जाता है, मजा सर आ जाता है, मजा आ जाता है, आप बताएं। अच्छा इमरान भाई, बात पता है क्या, एक तो चीज ये है कि स्टिपुलेटेड टाइम घंटे पूरे करने वाला, जान छुड़वाने वाला, अगर 2, 4, 10, 20 क्लासेस एक्स्ट्रा भी लगी, मिसाल दे रहा हूँ 1 महीना एक्स्ट्रा भी लग गया, उसमें नुकसान आपका है या अदारे का नुकसान है? सर मैं तो कहता हूँ 2 महीने और लगाएं सर। ठीक ठीक है, बेफिक्र हो, जो चीजें आपके साथ कमिट की हैं सारी चीजें आपको करवाएंगे, ठीक है? करवाने है को सर ना जी, आप उसको जितना मर्जी लंबा ले जाए, लेकिन मैं ठीक कहता हो हूँ गया जितनी चीजें हो कि दिली तौर पर आप कुछ भी हो, ठीक है, आपको वो कि यार हमारे साथ जाती नहीं गई, हमें सर। तो बहुत कुछ। मैं अभी फीडबैक दे चुका हूँ, ये तो इन्होंने फीडबैक लिया है, लेकिन अगर ये ना भी लेते तो मैं आपसे भी कई बार बता चुका हूँ, इस ग्रुप में भी, मीटिंग्स में भी जो हमारे होती हैं ये, इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि मैंने रियल में जो है ना वो लर्निंग समझता हूँ कि मेरी अब स्टार्ट हुई है। ठीक है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ लायर, सारा कुछ है, लेकिन ये जो टैक्स से रिलेटेड इशूज थे ना, जो मेरे लिए इसमें कि एक ब्लाइंड एली में था मैं, तो मुझे आगे कुछ पता नहीं होता था यार क्यों हो रहा है, मैं कहीं कंसल्ट करता था, कभी नेट पर सर्च की, कभी इधर, तो अब उन सारी चीज़ों से जान छूट गई है और मुझे ना एक स्मूथ वे में चीज़ें समझ आ रही हैं और बड़ी तेज़ी समझ आ रही है। मैं अपनी बात करूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप के अंदर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने वो चीज़ें समझी और सबसे ज़्यादा पढ़ा और मेरी लर्निंग शायद सबसे ज़्यादा फास्ट हो सकता है किसी और की भी हो, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता थी लेकिन उनके वो जो है ना वो उलझे हुए थे सिरे, वो मिल नहीं रहे, तो वो चीज़ें मेरे सामने खुल रही हैं, तो मेरी लर्निंग आई थिंक के बाकी सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, मुझे ये लगता है। आप मुझे एक चीज बताएं कि जो 7E का लिखा तो पढ़ा आपने? नहीं सर, मैंने आपको वो बताया था कि इस वीक में मैं नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि दो बंदे हमारे ऑफिस की छुट्टियों पर हैं, तो ऑफिस वर्कलोड की वजह से शाम में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो थका होता हूँ, थोड़ी देर के मैं रेस्ट करता हूँ। अच्छा ये सर लेक्चर बशारत, इस वीक के, हाँ सॉरी टू इस वीक के इंटरप्ट मैं यू। लेक्चर भी, इस वीक के मैं लेक्चर भी जो है वो रिपीट करूंगा दोबारा और रीडिंग भी करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, फिर अप टू डेट होंगे। ठीक है जी आमिर सर साहब, अच्छा सर बहुत शुक्रिया। अच्छा बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे जो है तकरीबन 1 घंटा बर्दाश्त किया, लेकिन इसमें मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने लर्न की हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? बाकी आप लोगों से मेरी एक दफ़ा फिर इल्तमास है, कोई मसला नहीं है, कोई भी आपकी क्यूरी हो मैनेजमेंट के हवाले से, मैं नंबर मेंशन मैं आप लोगों से अक्सर मुखातिब होता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? मैं दोबारा भी मैसेज कर दूंगा, आप लोग मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? इनशाला तो बाकी थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको जो है इतना इंतजार किया। बशार साहब आप अपना क्लास जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह।